हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ केवेज और मटर की सूखी सब्जी, जो कि रोटी पराठा और राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सिंपल सब्जी है, लेकिन थोड़े से स्पाइसेस की चेंज की वजह से इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा लगता है, और आप एक बार बना के ज़रूर देखिए। तो ये मैंने लिया है एक छोटा साइज का केवेज, या फिर आप बड़े का हाफ ले सकते हैं। उसके साथ एक बड़ा टमाटर लिया है, और दो प्याज लिया है, थोड़े ग्रीन पीस लिए हैं मतलब हरे मटर, और दो ग्रीन चिली लिए हैं, या फिर आप वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसको हमने अच्छे से वॉश करके स्लाइसेस लंबा लंबा करके काट लिया है, केवेज ओनियन और टमाटर को। तो सभी का साइज जो है सेम जैसे आता है, तो टेस्ट अच्छा लगता है। अभी हमने फ्राई पैन को गरम कर लिया है, और उसमें हम 4 चम्मच तेल डालेंगे और तेल गरम होने का वेट करेंगे। उस पर डालेंगे थोड़ा सा सरसों, और उसके साथ डालेंगे जीरा, जैसे कि आपने हर बार देखा ही होगा मेरे काफ़ी सारे वीडियो में, मैं जीरा और सरसों एक साथ ही डालती हूँ। और इसको अभी ये पपअप हो गए हैं, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, और इसको थोड़ा टाइम के लिए हमको भूनना है। लेकिन प्याज जो है हम इसको पूरा लाल होने का वेट नहीं करेंगे, थोड़ा हिलाएंगे, 1-2 मिनट उसको सिर्फ उसका कच्चा बन जाना चाहिए, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें डालेंगे, और केबेज के साथ वो बाकी पक जाएगा मिक्स होके। तो इसमें हमने सारे कटा हुआ केबेज डाला है, और उसको हम इवनली अच्छे से मतलब स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि ये तवा है तो फिर अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। उसके ऊपर डालेंगे हरा मटर, और उस पर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक जो है ये सब्जियों को पकने में हेल्प करता है, इसलिए मैं हमेशा पहले से ही डाल देती हूँ। अगर सब्जी उबाला नहीं है तो आप भी मटर को पहले से ही डाल दीजिए। और उस पर डाला हमने थोड़ा सा हल्दी, 1/2 चम्मच के जितना है, और इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आप बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पहले से सूखा मसाला ज़्यादा डालते हैं तो फिर वो जलता जल्दी है और पकता नहीं है। तो इसको हम मीडियम फ्लेम में अभी मैं थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। बिगिनिंग में थोड़ा फ्लेम ज़्यादा रखना पड़ता है, और हमको पकाने के लिए हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। और मैंने 5 मिनट तक फ्लेम स्लो करके बिठाया था, तो ये देखिए थोड़ा सा टेंडर हुआ है, अभी पका नहीं है, उसको पकने में टाइम है। लेकिन बीच बीच में हमको ऐसे ओपन करके उसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो जल जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है, लेकिन ये अभी पकने में टाइम है, तो इसमें हम थोड़ा बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। इस पे मैंने डाला है पाव भाजी मसाला, आप कोई भी ब्रांड का ले लीजिए। मैंने एवरेस्ट का डाला है, पाव भाजी मसाले से क्या होता है, उसका केवेज का जो है वो उसकी नेचुरल जो स्मेल होती है वो नहीं रहती, और मसाले का अच्छा सा खुशबू रहता है। और उस पे डालेंगे कटा हुआ टमाटर, जो कि मैंने पहले से चॉप करके रखा था, आपने देखा है, और उस पे डालेंगे हम थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसको हम ऐसे क्रश करके हाथ में ही डाल देंगे। तो पाव भाजी और कसूरी मेथी का जो कम्बिनेशन है वो टेस्ट को बहुत बढ़ा देती है, और ये केबेज की सब्जी जो है आपकी पत्ता गोभी की सब्जी है वो पत्ता गोभी की सब्जी जैसी नहीं लगेगी, उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बन के आएगी, उसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। और ऊपर से डाला हमने ग्रीन चिली, ग्रीन चिली बाद में डालते हैं, ताकि उसका थोड़ा टेस्ट भी रहे, थोड़ा तीखापन भी रहे, टेस्ट भी रहे, और अच्छा भी लगे। तो ये लगभग पक चुका है, अब इसको हम कवर करेंगे, सिर्फ थोड़ा सारे फ्लेवर मसाला जो सब डाला है वो उसका फ्लेवर जो है अंदर ही रह जाए, इसलिए हमने कवर करके 10-15 मिनट रखा था। और देखिए कितना इजी प्रोसेस से बन गया, और कितने बढ़िया तरीके से बन गया, और अच्छी बात है कि ये हेल्दी भी है, और सारे जो ट्रेडिशनल हमारे रोटी राइस पराठा है सबके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, मैच हो जाता है। तो आप ज़रूर बनाइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।